आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन के बाद आया पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच वसीम जाफर का बड़ा बयान। मिनी ऑक्शन के बाद पंजाब किंग्स की टीम को देखकर निराश हुए बल्लेबाजी कोच वसीम जाफर इस एक खिलाड़ी को टीम में शामिल करना चाहते थे। दोस्तों, आईपीएल मिनी ऑक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। सभी टीमों ने खिलाड़ियों पर जमकर पैसे लुटाए। वहीं पंजाब किंग्स ने भी कई प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल किया। पंजाब किंग्स ने 32 करोड़ के पर्स में से लगभग 20 करोड़ खर्च किए। वहीं टीम ने अपने स्क्वाड में 22 खिलाड़ियों को शामिल किया, जबकि पंजाब किंग्स के पास 12 करोड़ का पर्स बचा था और 3 स्लॉट अवेलेबल थे। कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का मानना है कि पंजाब किंग्स 1 से 2 प्लेयर और टारगेट कर सकती थी, क्योंकि इस बार इंपैक्ट प्लेयर रूल भी देखने को मिलेगा, जो बड़ी भूमिका निभाएगा। और सभी टीमों के पास प्लेइंग 11 के बाद 4 बड़े इंपैक्ट प्लेयर टीम में होने चाहिए, जो कभी भी मैच में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से दूसरी टीम के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं। वहीं अब पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच वसीम जाफर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने पंजाब किंग्स को 10 में से 9.5 अंक दिए हैं, पर साथ ही उनका मानना है कि वो थोड़े निराश जरूर हैं, क्योंकि वो एक प्लेयर को टीम में देखना चाहते थे। उन्होंने बताया कि वो युवा तेज गेंदबाज यश ठाकुर को पंजाब किंग्स की टीम में देखना चाहते थे। यश ठाकुर तेज गति से गेंद डाल सकते हैं। पंजाब किंग्स ने यश ठाकुर को मिनी ऑक्शन में टारगेट भी किया, पर अंत में लखनऊ सुपर जॉइंट ने 45 लाख में अपनी टीम में शामिल कर लिया। यश ठाकुर डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पंजाब किंग्स को यश ठाकुर को टारगेट करना चाहिए था या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।